नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जानकी फैशन बुटीक में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए स्लीव कटिंग। तो यहाँ पर बाजू की कटिंग लेके आई हूँ। बाजू कटिंग तो हम लोग नॉर्मली सभी कर लेते हैं, लेकिन एक परफेक्ट तरीका होता है बाजू की कटिंग करने का। तो बहुत से लोग यहाँ पर बाजू कटिंग करने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, और जिससे हम यहाँ पर बाजू जोड़ते समय बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं आज आपको यहाँ पर दो तरीकों से बाजू की कटिंग करना बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने बाजू के लिए कपड़ा ले लिया है। तो इस तरह से देखिए, लंबाई में यहाँ पर हमें अपनी बाजू की लंबाई के हिसाब से लेना है। तो मेरी यहाँ पर 19 इंच बाजू की लंबाई तैयार है। 1 इंच यहाँ पर मार्जिन लिया है, और चौड़ाई में यहाँ पर ये मैंने 19 इंच चौड़ाई में भी लिया है। तो इस तरह डबल करके इसको मैंने यहाँ पर 9.5 इंच लिया है। ये लंबाई में यहाँ पर हमें अपने हिसाब से रखना है। बस हमें चौड़ाई में कपड़ा कितना लेना है, किस नाप से किस नाप तक कितना हमें यहाँ पर लेना है, इसी बात का हमें ध्यान रखना है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हैवी साइज चेस्ट होती है तो कपड़ा कम ले लेते हैं, फिर बाद में यहाँ पर जोड़ लगाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और इसमें अच्छी फिनिशिंग भी नहीं आ पाती है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि हमें यहाँ पर कपड़ा चौड़ाई में कितना लेना है। लंबाई में तो हम अपने नाप के हिसाब से लेते हैं, लेकिन जो इस तरह हमें चौड़ाई में फोल्ड करते हैं आर्म होल कटिंग के लिए, तो वहाँ पर हमें मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो हम अपने चेस्ट के हिसाब से ही यहाँ पर कपड़े को लेते हैं। तो यहाँ पर मेरी चेस्ट 38 इंच है, तो 38 इंच में मैंने देखिए इस तरह 9.5 इंच लिया है। बाकी आप इस मेजरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर हर चेस्ट के हिसाब से कितना कपड़ा ले बता रखा है, तो आप इस हिसाब से यहाँ पर कपड़ा लेंगे। तो हमारा चेस्ट जैसे जैसे बढ़ता रहता है, उस तरह से 1-1 इंच हमें यहाँ पर चौड़ाई में अपना कपड़ा बढ़ाना पड़ता है। इस तरह से बढ़ा के रखेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर यहाँ पर कपड़ा कम पड़ जाता है तो आप यहाँ पर पहले जोड़ लगाएंगे, कटिंग के बाद यहाँ पर जोड़ लगाएंगे, तो उसमें अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती है और बाजू ज्वाइन करने के बाद बहुत ज़्यादा झोल आता है। तो यहाँ पर देखिए, बाजू की लंबाई ले लेनी है हमें। तो बंद हिस्सा मैंने इस तरह अपनी तरफ रखा है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इस तरह से देखिए, यहाँ से मैं 3 इंच पर एक निशान लगाना है और इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें इस तरह निशान लगाना है। इसके लिए हमें अपना चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो चेस्ट हमारी यहाँ पर 38 इंच है, 38 के हिसाब से हम यहाँ पर, तो 38 का चौथा भाग यहाँ पर 9.5 आता है, तो 9.5 में से 1 इंच हमें कम कर लेना है। आपका चौथाई भाग जितना भी आएगा उसमें से आपको 1 इंच कम करके इस तरह निशान लगा लेना है। और यहाँ से भी हमें देखिए इस साइड से ऊपर से 3 इंच पर निशान लगाना है। तो 3 इंच पर इस तरह निशान लगाएंगे, और देखिए यहाँ से हमें सीधा ले जाना है, और यहाँ से हमें इस तरह से गोलाई देते हुए इस तरह मिलाना है। और अब यहाँ पर अपनी मोहरी की गोलाई का निशान लगाएंगे। तो 10 इंच हमारी गोलाई है, तो हाफ लगाएंगे 5 इंच। और अब इस तरह जो हमारा चेस्ट का चौथा भाग आया है, यहाँ से इस निशान को हमें इस तरह मिला लेना है। और अब यहाँ पर देखिए 2 इंच मार्जिन रहा है, तो यहाँ भी हमें 2 इंच मार्जिन लेते हुए इसको इस तरह से मिला लेना है। तो ये तो हमारा बैक वाला आर्म होल की कटिंग होगी। तो फ्रंट आर्म होल के लिए भी हमें यहाँ पर इस तरह से 1/2 इंच इस तरह अंदर गोलाई में निशान लगाना है। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगाते हैं। तो देखिए कितना आसान तरीका है। तो कटिंग करते समय हमें ध्यान रखना है, तो पहले हमें बाहर वाली गोलाई कट करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहले बाहर वाली गोलाई कट करी है। अब यहाँ पर इस तरह अपनी बाजू को उठाएंगे,
इस तरह खोल लेंगे और फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो एक तरीका तो ये है जो हम बाजू की कटिंग करते हैं। तो अब दूसरी बाजू की कटिंग बताती हूँ। तो यहाँ पर भी मेरे पास सेम लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से मैंने कपड़ा लिया है, तो इसको भी हमने इस तरह डबल करके बिछा लेना है। ये वाली बाजू कटिंग जो बिगनर्स होते हैं जिनको यहाँ पर बाजू में गोलाई अच्छे से शेप देना नहीं आता, गोलाई का शेप देना अच्छे से नहीं आता है, तो ये वीडियो उनके लिए है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई हमारी बाजू की दोनों सेम है, तो इसमें भी सेम उसी तरह से सबसे पहले हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है। देखिए इस तरह से ये 3 इंच चौड़ाई हमारी चेस्ट के हिसाब से भी लगती है। नॉर्मल चेस्ट है तो 3 इंच लेते हैं, अगर हैवी चेस्ट है तो यहाँ पर 3.5 इंच की चौड़ाई लेते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से हमें देखिए सेम उसी तरह 8.5 इंच पर इस तरह तिरछी लाइन दे देनी है। यहाँ पर हमें इस तरह से तिरछी लाइन दे देनी है। तो देखिए इस तरह कोने में मैंने मिला लिया है। अब यहाँ पर हमें देखिए 8.5 इंच का हाफ करना है, तो कुछ इस तरह से हमें इंची टेप को डबल कर लेना है और हाफ करके यहाँ पर निशान बना लेना है। आपका यहाँ पर चेस्ट में जितना भी आएगा आप उसका हाफ करेंगे। हाफ करके यहाँ पर 1/2 इंच हमें बाहर की साइड, इस तरह बाहर की साइड 1/2 इंच निशान लगाना है। देखिए अंदर की साइड नहीं लगाएंगे, बाहर की साइड लगाएंगे। और यहाँ भी हमें 3 इंच इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। अब यहाँ पर देखिए इस कोने से हमें गोलाई को हल्के हाथ बढ़ाते हुए यहाँ तक लाना है, जो हमने 1/2 इंच की दूरी में निशान लगाया है यहाँ तक, यहाँ से हल्के से बढ़ाते हुए लाएंगे यहाँ तक, यहाँ से हल्के हाथ से घटाते हुए हमें बिल्कुल ऐसे मिला देना है इस पे। तो आप देखिएगा मैं किस तरह से मिला रही हूँ। अब हमें ये तो हमारा बैक आर्म होल के लिए हो गया, फ्रंट आर्म होल के लिए हमें यहाँ पर इस तरह जो हमने तिरछी लाइन दी है यहाँ से हमें अंदर की साइड गोलाई देनी है। इसमें भी हमें हल्के हाथ से गोलाई बढ़ाते हुए यहाँ तक लाना है इस तरह से। अब यहाँ से हमें इसको बाहर निकालते हुए इसी में मिलाना है। देखिए इस तरह से मिलाएंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर गोलाई हम कितनी घटाएं, तो यहाँ पर गोलाई हम कितना घटाएं, कितना कहाँ से बढ़ाएं, ये आपको समझ नहीं आता है तो आप इस तरीके से लगाइएगा और आपके यहाँ पर गोलाई भी परफेक्ट आएगी और जोड़ने में भी आपको यहाँ पर बाजू जोड़ने में भी आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। आई होप कि आपको ये मेरा तरीका पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे इस वीडियो से औरों को भी हेल्प मिल सके। तो सेम इसी तरह हमें यहाँ पर अपनी बाजू की गोलाई का निशान लगाना है और इस तरह चेस्ट के चौथे भाग पर मिलाते हुए यहाँ पर 2-2 इंच का हमें मार्जिन ले लेना है। तो देखिए इस तरह यहाँ पे निशान हमारा पूरा हो चुका है। तो अब इसकी भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो इसमें भी हमें सबसे पहले बाहर वाली गोलाई की कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर देखेंगे हमारी यहाँ पर दोनों बाजू की कटिंग बिल्कुल सेम सेम हुई है,
कोई भी अंतर आपको यहाँ पर इसमें नहीं दिखाई देगा। तो देखिए बिल्कुल सेम कटी है, बस हमें यहाँ पर तरीका अलग कर लिया है। ये हम अगर आपका अगर हाथ यहाँ पर गोलाई में एकदम फिट बैठता है तो आप जो मैंने पहले बताई थी बाजू की कटिंग इस तरह से कटिंग करेंगे। अगर आपका यहाँ पर गोलाई में हाथ नहीं बैठता है तो आप इस तरह से निशान लगा के भी गोलाई दे सकते हैं, इससे भी बिल्कुल परफेक्ट गोलाई आती है। तो देखिए मैं आपको इनको एक दूसरे के ऊपर रख के भी दिखा देती हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सेम कटे हैं, तरीके अलग हैं बिल्कुल, और लेकिन यहाँ पर गोलाई में बिल्कुल दोनों सेम हैं। तो देखिए मैंने एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर बिछा लिए हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल दोनों की कटिंग हमारी यहाँ पर बिल्कुल बराबर हुई है और एक जैसी यहाँ पर कटिंग हुई है हमारी। तो आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद। Oh, 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 oh